तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखें लाइक कर दिया करें, क्योंकि देखने वालों की संख्या हज़ारों में होती है। लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं ना, तो लाइक का बटन दबा दें, साथ में शेयर कर दें। और जितने छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोज़ को शेयर किया करें। होता क्या है, अगर आप लोग शेयर करेंगे तो और भी छात्रों तक जानकारियाँ पहुँचेंगी। बहुत सारी फेक जानकारी आप सभी को सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन रियल एंड ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले आपको ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो थोड़ा सा कर्तव्य आप भी अपना निभाएं, इस वीडियो को शेयर करने का कार्य अवश्य कर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप UPSSC PET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है बेस्ट बुक, जिसमें आपको मिलेगा डिटेल में पूरा इन्फॉर्मेशन, जैसा कि चैप्टर वाइज आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सारी जानकारी जिससे आप अपना बेसिक को तो क्लियर कर ही सकते हैं, साथ में क्वेश्चन के आंसर देने में भी आसानी होगी। इतना ही नहीं, इस बुक की खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आप सभी को मिलता है पूरी जानकारी। इसके अलावा इसमें आपको स्मरणीय तथ्य मिलेंगे, जिससे कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। हजारों की संख्या में आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। और इतना ही नहीं, इसमें आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी रखे गए हैं, साथ में उन सभी क्वेश्चन की यहाँ पर डिटेल में आप सभी को व्याख्या भी देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस बुक को परचेज करने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का। इन दोनों बुक्स को आप ले सकते हैं ऑफलाइन मार्केट से भी, ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मामले को लेकर। बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है एक के बाद एक। हाल ही में आपको याद होगा कि हाई कोर्ट से डबल बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट तक इनको यहाँ फटकार लगी है, मामला संबंधित था चयन प्रक्रिया के अंदर धांधली को लेकर। इस बात को लेकर कोई दोराय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक भर्ती के अंदर हर एक आयोग की तरफ से धांधली की जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना है, जिस दिन पकड़ी जाती है उस दिन आप सभी के सामने आ जाती है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि UPSC के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। PCS 2018 के तहत GIC प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोई नियुक्ति को लेकर भटक रहा है तो कोई इंटरव्यू को लेकर लटका हुआ है। मामले लगातार इस प्रकार के आप सभी के सामने लंबित हैं। उसी क्रम में PCS 2019 साथ ही 20 की प्रारंभिक परीक्षा की मार्कशीट को लेकर अगर बात करें, स्केल्ड व नॉन स्केल्ड नंबर जारी करने के साथ ही PCS 2018 के तहत GIC प्रधानाचार्य की भर्ती में गड़बड़ी को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मुद्दा बनाया है। इसी के आधार पर प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मेल भेजे, साथ में पत्र भेजकर इसको लेकर जो मांगे वो की गई है। सोमवार से मुख्यमंत्री तथा अगर बात की UPSC अध्यक्ष, साथ ही अगर बात की सचिव से, शासन के अन्य अधिकारियों को ईमेल भेजकर न्याय मांगने की शुरुआत की गई है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। ये मुद्दा संबंधित है आप सभी को बताएं तमाम भर्तियों को लेकर। ऐसे में छात्रों की तरफ से कहा गया कि विज्ञापन के अंदर बदलाव, साथ में चयन प्रक्रिया में धांधली को लेकर जो मामले देखने के लिए मिलते हैं, उसी क्रम में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब विज्ञापन के अंदर माइनस मार्किंग नहीं रखी गई थी तो ऐसे में बाद में नेगेटिव मार्किंग क्यों लगा दी गई, और भी तमाम चीज़ों को लेकर आप सभी के सामने जो मामले हैं वो देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लगभग सभी भर्तियों का यही हाल है। UPSC LT GATE का उठा करके देख लें, 3 से 4 साल हो चुके हैं, अभी तक भर्ती लटकी हुई है। इसमें भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे थे, जैसा कि आप सभी को बताया अंजू कटियार, और भी तमाम मामले आप सभी को याद होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि और कर लो धांधली, है ना। तो वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को देखने के लिए मिलेगा शिक्षक भर्ती को लेकर सबसे बड़ी अपडेट कल की तारीख में देखने के लिए मिली, जब अपर मुख्य सचिव की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 769,000 को लेकर। उनकी तरफ से बताया गया था कि 69,000 के शेष 6,000 पदों पर जो नियुक्ति होनी है वो 23 तारीख को करवा दी जाएगी, लेकिन इसके अलावा शिक्षक भर्ती में नहीं शामिल हो पाएंगे 23,000 रिक्त पद। कल अगर बात करें निदेशक सर की तरफ से भी जानकारी दी गई, जैसा कि आप सभी पहले यहाँ पर देखें, भर्ती पूरी हो चुकी है, पद जोड़ना संभव नहीं है, महानिदेशक का ऐसा कहना है। स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती 3 चरणों में पूरी हो चुकी है, अब उसमें पद जोड़ना संभव नहीं है। वैसे भी दोनों भर्तियों में चयन अलग अलग तरीके से हुआ है, इसलिए एक भर्ती परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी को दूसरी भर्ती में समाहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार BSc शिक्षा विभाग में अध्यापकों की भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर रही है, जो कि मैं चाहूँगा बिल्कुल भी ना हो,
क्योंकि इसके चलते तो हमेशा भर्ती लटकती ही हैं। सहायक अध्यापकों की रिक्त पदों पर चयन करके बात की जाए, नियुक्ति को आरटी मानक के अनुरूप नया बोर्ड आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे आपको अभी जानकारियाँ देखने के लिए मिलेंगी कि बेसिक शिक्षा परिषद की अगर बात करें, प्राथमिक स्कूलों के अंदर 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के साथ ही 68,500 के खाली पदों को शामिल करने को लेकर यहाँ पर लगातार विज्ञापन में जोड़ने की जो मांग है वो की जा रही थी। लगभग 22,000 से 23,000 यहाँ पर जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, जिसको लेकर कल की तारीख में अपर मुख्य सचिव की तरफ से बताया गया कि दोनों भर्तियां अलग अलग हैं और कानूनी तौर पर इसको जोड़ना संभव नहीं है। ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था। लगातार इसके बारे में छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। 28 से 29 दिन हो चुके हैं, लेकिन छात्र इस बात को लेकर डटे हुए हैं। कल की तारीख में सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया गया है। अब ऐसे में यहाँ पे जो 22,000 सीटों को लेकर फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे स्पष्ट है कि इन 22,000 सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जोड़ पाना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही यहाँ पे शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पे जानकारी नहीं दी जा रही थी, लेकिन कल की तारीख में जो बोला गया है उससे स्पष्ट है कि 22,000 सीटों को जोड़कर अब नई शिक्षक भर्ती ही देखने के लिए मिलेगी। ऐसी जानकारी शासन ने हमें पहले भी दी थी और कल दिए गए बयान के अनुसार भी आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जो 22,000 से 23,000 पद खाली रह गए थे 68,500 के, उनको जोड़कर अब नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है कि आखिर कितने पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। पदों की संख्या के बारे में सरकार की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसके बारे में बेसिक शिक्षा परिषद से मुलाकात की जाएगी। देखो, जो छात्र इस बात को लेकर परेशान है कि नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, उनके लिए मैंने तो पहले से कहा था, कल सरकार ने भी घोषणा की है। एक बात हमेशा याद रखना कि दो चीज़ें आप सभी के सामने होती हैं। जब कोई अधिकारी आपको बताता है कि नई शिक्षक भर्ती आएगी तो ये बात बिल्कुल 100% होती है, क्योंकि अधिकारी बिना सरकार की मंजूरी के नहीं बता सकते। हाल ही में डीजी सर से जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जब अपर मुख्य सचिव ने इस मुद्दे को लेकर जानकारी दी है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि शासन स्तर पर इसको लेकर मतगणना चलनी शुरू हो गई है, मतलब कि मंथन शुरू हो चुका है ना। अगर सरकार के कोई अधिकारी या फिर सरकार खुद कहती कि बेसिक शिक्षा मंत्री सर कहते हैं अभी आगे कि भाई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हम जल्द जारी करेंगे, तो इस बात को आप बयान कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई अधिकारी आपके सामने बोल रहा है तो ये बयानबाजी नहीं होती है। इससे स्पष्ट है कि अब शासन स्तर पर आपको लेकर जो मुद्दा विचार शुरू हो चुका है, अब उम्मीद है कि जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। सवाल देखने के लिए मिलता है कि कितने पदों पर विज्ञापन जारी होगा। कल सरकार की तरफ से यहाँ पर मंशा जाहिर की गई कि 22,000 सीटों को लेकर यहाँ पर नहीं आप सभी को कुछ देखने के लिए मिलेगा। हालांकि 69,000 के छात्रों की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी तरफ से अभी भी मांगे जारी हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी ने समाचार पत्र के अंदर देखा कि इन पदों को जोड़ा नहीं जाएगा, महानिदेशक साथ में अपर मुख्य सचिव की तरफ से भी जानकारी दी गई है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा 70,000 से अधिक पदों पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। ऐसी जानकारी कुछ समय पहले समाचार पत्रों के अंदर आपको देखने के लिए मिली भी थी, जहां पे बताया गया था कि प्रदेश सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा परिषद की अगर बात की जाए, नई शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है, जहां पे लिखा हुआ था कि 2017 से लेकर पुराना डाटा मांगा गया था। और एक महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंदर ये भी लिखी हुई थी कि सरकार ने कोर्ट में बताया है कि 51,000 से ज़्यादा जो पद है वो खाली हैं, जिसके अंदर 22,000 से अधिक पद 68,500 के खाली रह गए थे। इन सभी को जोड़कर नई शिक्षक भर्ती लगभग 70,000 से अधिक पदों पर देखने के लिए मिल सकती है। तो ऐसे में हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 75,000 पदों पर भर्ती आने की संभावना है, क्योंकि 51,112 पद पहले थे, अब ऐसे में 22,000 और 23,000 सीटें जो बताई जा रही हैं इनको जोड़ा जाएगा तो लगभग 73-72 हो सकते हैं। और आगामी समय के अंदर अगर और भी कुछ आपको देखने के लिए मिलता है, जैसा कि सेवानिवृत्त के मामले आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लगभग यहाँ से 75,000 के आसपास आपको एक नई बड़ी भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि ये समाचार पत्र पुराना है, लेकिन इसके अंदर बातें जो लिखी हुई हैं वो आज की तारीख में आपके लिए सच साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। और बाकी मैंने तो हमेशा से आप सभी को कहा है कि आपको अपनी मांगे रखनी है, निकट भविष्य के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा। तो कर दो जल्दी से वीडियो को लाइक, क्योंकि वीडियो को देखने वालों की संख्या हजारों में होती है। इस चैनल को आगे ले जाना आप सभी का कार्य है, क्योंकि हमेशा हम तो आप सभी के हक की आवाज़ उठाते हैं, जिससे कि आपको बेनिफिट अवश्य मिले। तो लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको जल्द देखने के लिए मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 2.4 के समथिंग, मतलब कि
2.42 लाख पदों पर आपको जो सीटें होंगी उसके ऊपर आवेदन देखने के लिए मिलेंगे, जो कि लिए जाएंगे परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से। वैसे तो पीएनपी में बहुत सारे मामले लंबित हैं, लेकिन ऐसे में एक और मामले को लेकर शुरुआत कर दी गई है, जो कि है डीलेट 2021 के बारे में, जहाँ पर उनकी तरफ से बताया गया है कि 2,31,000 सीटों के अलावा यहाँ पर 10,000 और जो डाइट हैं उनकी सीटों को जोड़ते हुए लगभग 2,42,000 सीटों पर आप सभी के सामने जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन शुरू कर दी जाएगी, जिसकी आखिरी तारीख 10 अगस्त रखी गई है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं डीलेट 2021 को लेकर आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। लगातार इस भर्ती को लेकर विवाद का विषय जारी है, छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, छात्रों की तरफ से कोर्ट में जाने की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चयन बोर्ड की तरफ से लगातार कई बयान जारी किए जा रहे हैं। अब ऐसे में मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर बड़ा धमाका आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि कई छात्रों की तरफ से मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम से मुलाकात की जा रही है, जिससे कि इसके अंदर बदलाव करवाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों की तरफ से कोर्ट जाकर इसमें बदलाव करने की मांग की जा रही है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी मांगे देखने के लिए मिल रही हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देखेंगे एक पत्र भी लिखा गया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी कला साथवी प्रवक्ता कला और टीजीटी सामाजिक विज्ञान के अंतिम परिणाम 20 जुलाई तक घोषित कर दिया जाना चाहिए, तथा हिंदी प्रवक्ता का जो पैनल होगा वो 20 जुलाई तक भेजा जाना चाहिए। अंतिम परिणाम विलंब होने की स्थिति में अधिकतम अभ्यर्थी नए विज्ञापन में परीक्षा देंगे, जिससे कि नुकसान हो सकता है। जो नया विज्ञापन जारी किया गया उसके अंदर दोबारा से छात्र बैठेंगे, उनको बैठना नहीं पड़ेगा, है ना, और भी तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो 20 तारीख तक इन सभी परिणामों को जारी कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 22 तारीख को सुबह 11 बजे से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का घेराव किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि चयन बोर्ड के प्रस्तावित 75 जिलों की परीक्षा को लेकर, जो कि सबसे बड़ा आप सभी के सामने विवाद का विषय देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे में छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि परीक्षा अगर जनपद स्तर पर करवाई जाती है तो इस बात को लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। इस परीक्षा का जो आयोजन होना चाहिए वो 18 मंडलों के ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़ा विवाद आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। एक तरफ मामला कोर्ट में जा रहा है, तो दूसरी तरफ आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है कि छात्र धरना प्रदर्शन को लेकर लगातार उतारू हैं। उनका कहना है कि अगर बात की जाए परीक्षा को लेकर, तो 75 जिलों में परीक्षा कराने की योजना पर परीक्षा की स्वच्छता साथ में पवित्रता को बनाए रखने की गारंटी क्या है चयन बोर्ड के द्वारा बताई जाए, साथ में अगर जो परीक्षा है वो 18 मंडलों पर कराया जाना ज़्यादा उचित होगा, इसको लेकर लगातार जो पत्र हैं वो भेजे जा रहे हैं। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष की तरफ से मुलाकात की जाएगी मुख्यमंत्री और साथ में उप मुख्यमंत्री के साथ, जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग छात्र संगठनों के माध्यम से इसमें बदलाव को लेकर कोर्ट में जाकर काफ़ी कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो आगामी 1 से 2 हफ्ते जो होंगे परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा घमासान आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें आप सभी के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव होंगे। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर लगातार विवाद का विषय जारी है और मामला संबंधित है आप सभी की परीक्षा को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड के बारे में। एलटी ग्रेड के छात्रों के लिए खुशखबरी देखने के लिए मिली, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख भी सकते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अवशेष अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए मंगलवार को शुरू होगा पोर्टल। इन सभी छात्रों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान साथ में हिंदी के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए पोर्टल मंगलवार को खोला जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें एलटी ग्रेड को लेकर, उनकी तरफ से जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि आयोग की ओर से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 29 जुलाई को करवाई गई थी, उसी क्रम में यहाँ पे बचे हुए अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र को लेकर मामला लटका हुआ था। अब ऐसे में आश्वासन मिल चुका है कि यहाँ पे 20 जुलाई को जो कहने की विषयों का पोर्टल है वो खोल दिया जाएगा, जिससे जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे जो मामला है वो लंबित नहीं होगा और जल्दी से जल्दी उनको जो नियुक्ति है वो मिल जाएगी, ऐसा आश्वासन मिला है। छात्रों की तरफ से यहाँ पर धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला था, उसी क्रम में आपके सामने जो फैसला है वो हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है दरोगा भर्ती के बारे में। दरोगा भर्ती को लेकर लगातार छात्र इंतजार कर रहे हैं, अभी भी इसके अंदर एक मामला लटका हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आयु सीमा को लेकर। उसकी एक फाइनल सुनवाई आप सभी को देखने के लिए मिलेगी न्यायालय में, और जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, है ना। वहीं दूसरी तरफ इसकी परीक्षा को लेकर भी छात्रों के मन में सवाल है कि आखिर इसकी परीक्षा का आयोजन कब से देखने के लिए मिलेगा। अगस्त में इसकी परीक्षा होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, सितंबर के दूसरे सप्ताह से इसकी जो परीक्षा है वो शुरू करवाई जा सकती हैं। इसको लेकर जल्द अगर बात की जाए पुनर्नत बोर्ड से एक मुलाकात की जाएगी, जिसमें आप सभी को सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।